Hello and welcome to The Quest on Rajya Sabha TV. I'm Rakhi Bakshi. In this show, as you know, we keep talking to leading personalities each week. Each week, we are bringing you new faces on this program. And right now, the guest with us this week is a prominent Rajya Sabha member, also an ex-hockey captain, Mr. Dilip Turki. He's with us and it's our pleasure to have him here. आपका इस शो में बहुत स्वागत है. जैसा कि मैंने कहा कि बल्कि अभी जब हम राज्यसभा एमपी के तौर पर आपसे बात कर रहे हैं, बात पहले ये याद आ रही है कि हॉकी में इतना बड़ा आपका नाम जो रहा है, हॉकी के बारे में बताएं कि वो सफ़र कैसा रहा आपका, अब जब आप पीछे देखते हैं. मेरे लिए हॉकी का सफ़र बहुत अच्छा रहा, जो कि हॉकी ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया. हॉकी से मैं काफ़ी कुछ सीखा मैंने, और काफ़ी इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट मैचेस खेलने का मौका मिला, कंट्री के लिए खेलने का मौका मिला, कैप्टनशिप करने का मौका मिला. तो ओवरऑल कहूँगा मैं हॉकी का जो दौरा कहूँगा, हॉकी का जो जर्नी बहुत अच्छा रहा मेरे लिए. अगर आपके बचपन में जाए, जहाँ से शुरुआत की आपने हॉकी की, तो मैं जहाँ आपके पढ़ रही थी कुछ कि कैसे बैम्बू स्टिक से आपने जो है अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया और वहाँ से आपकी हॉकी की जो शुरुआत है वहाँ से होती है, तो किस तरह का स्ट्रगल संघर्ष रहा आपके लिए हॉकी में आने का? सबकी लाइफ में स्ट्रगल रहता ही है, तो मैं कहूँगा हाँ, मैंने भी ऐसा स्ट्रगल देखा हूँ. जैसे मैं कहूँ सुंदरगढ़ में हॉकी का काफ़ी क्रेज है, हर एक गाँव में हॉकी खेलते हैं लोग, उसके लिए पागल हैं. और वहीं का एक छोटा सा गांव से मैं बिलोंग करता हूं, वहां पे भी दो महीने में, तीन महीने में, छः महीने से टूर्नामेंट होते रहते हैं गांव के अंदर में. तो कहीं भी होने से लोग एटलीस्ट सेमीफाइनल के दौरान, फाइनल के दौरान 3,000-4,000, इवन फाइनल में 7,000-8,000 लोग वहाँ पर होते हैं. तो इस तरीके से वहाँ पर पागल हैं. तो वहीं से आपको लगता था कि एक सपना था कि मैं भी बनूंगा हॉकी प्लेयर? नहीं, इतना सपना नहीं था, मेरा सपना तो नहीं था, उतना मालूम ही नहीं था उस दौरान था. क्योंकि आपके आपके पेरेंट्स भी, हाँ मेरे पेरेंट्स भी हॉकी खेलते थे, सीआरपी में थे, और उनसे भी मैंने प्रेरणा ली. हाँ, क्योंकि उनकी वजह से भी मेरे मन में इंटरेस्ट आया. जब फादर आते थे गाँव में, गाँव की टीम के साथ खेलने चलते, मैं भी पीछे पीछे चले जाता था. और मेरे मन में हॉकी, सामने जब भी हम गांव में रहते थे हॉकी देखते थे, उसके अलावा कोई खेल नहीं था. तो वही देखने के बाद धीरे धीरे मन में पैदा हुआ, और स्लोली गांव से इस तरीके से, हाँ हॉकी स्टिक उस उधर फादर खेलते थे इसलिए लेके आते थे, उससे हम सीखते थे. लेकिन गांव में आप जो बोल रहे हैं, जो बम्बू का हॉकी स्टिक करते थे, लकड़ी को बेंड करके उसको वहाँ से हॉकी स्टिक बनाते थे, इस तरीके से हम लोग वहाँ पे शुरुआत की थी. और उसके बाद आपने काफ़ी नाम कमाया, और जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि ग्रेट डिफेंडर आप जो रहे हैं, बल्कि बड़े बड़े लोग आपसे इसलिए कांपते थे कि भाई ये अगर गोल पोस्ट के पास है तो उनको उनकी शामत आ जाती थी. तो कैसा वो आपका ये जो डिफेंडिंग जो चैम्पियनशिप रही आपकी, और आपका जो पूरा एक अनुभव रहा, वो किस तरह का, क्या स्ट्रैटजी अपनाई, क्या चलता था आपके दिमाग में? देखिए, उस दौरान जब मैं हॉकी खेलना स्टार्ट किया, उस दौरान तो मैं फॉरवर्ड खेलता था. फिर अचानक टीम में हमारे जो सीनियर प्लेयर थे इसलिए मुझे मौका नहीं मिलता था फॉरवर्ड में खेलने के लिए. तो हमारे जो कोच थे बंसल जी, उन्होंने बताया तुम डिफेंडर खेलोगे? जी सर, मैं खेलूँगा. तो मुझे डिफेंडर खिलाए, तब वहीं से मेरा डिफेंडर का करियर स्टार्ट हुआ. और डिफेंडर अचानक मेरे टैकलिंग का क्वालिटी, मार्किंग का क्वालिटी मेरे ख्याल से कोच को अच्छा लगा, और उसी दिन से मुझे कंटिन्यू किए. और उसके बाद मैंने डिफेंस में कंटिन्यू किया, और मेरे माइंड में यही था कि डिफेंस में क्या क्या होना चाहिए क्वालिटी, उसी के ऊपर मैंने ध्यान दिया. क्या आपको सबसे अच्छा उसमें अनुभव रहा? क्योंकि भारत को कहीं ना कहीं अगर हॉकी की बात हम आज करें तो आप एक ऊंचाई पर ले गए. हालांकि आज जब हम हॉकी की बात करते हैं तो शायद इतना ज़्यादा फैला नहीं है, जैसे क्रिकेट को हम मानते हैं कि एक जुनून बन गया है, क्रिकेट में बहुत पैसा है. हॉकी के लिए एक लड़ाई चल रही है कि हॉकी भी आगे इस तरह से बड़ा नाम हो, क्या लगता है आपको? हाँ, क्रिकेट के लिए लोग जैसे पागल हैं, उसके लिए जैसे जुनून है हमारे कंट्री में, हॉकी के लिए उतना नहीं है. कई सारे कारण हैं, उसके हिसाब से मैं कहूँगा कि पहले बात हम इस वक्त जो हमारे सिचुएशन, हम मेजर टूर्नामेंट जीत नहीं पा रहे हैं, जैसे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट, ओलंपिक, वर्ल्ड कप, हाँ एशियन गेम्स हम जीत रहे हैं, एशियन लेवल में हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है.
और उस हिसाब से हमारे जो फेडरेशन सब है उसमें सिर्फ प्लानिंग होनी चाहिए, जैसे हॉकी को और पॉपुलर करने के लिए, हॉकी को लोग पहचाने, हॉकी का जो आर्ट्स है, हॉकी का जो टैलेंट है, जो चीज़ें स्किल्स सब हैं उसको लोग जानना चाहिए, तभी मज़ा आएगा। कैसे होगा, क्योंकि वो तब होगा जब स्पॉन्सर भी थोड़ा प्राइवेट प्लेयर्स भी आगे आएंगे। जैसे आपने देखा बैडमिंटन में अब एक तरह का लीग बन गया है, हर कबड्डी में अब काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है, किस तरह के का एक तरह का अभी अभी 15 साल नीचे का बात करेंगे उस दौरान तो उतना था, अभी इस वक्त अभी कहेंगे 2-3 साल में, 5 साल के अंदर काफ़ी हॉकी लोग फॉलो कर रहे हैं। पहले PHL होता था, उसके बाद अभी हॉकी इंडिया लीग हो रहे हैं। हॉकी इंडिया लीग से कभी वर्ल्ड के काफ़ी टॉप प्लेयर्स आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वर्ल्ड हॉकी डेवलप हो रहा है हमारे इंडिया में। इससे फ़ायदा होगा आपको लगता है स्पोर्ट्स को? फायदा हाँ, कुछ हद तक फ़ायदा हो रहा है, कुछ हद तक फ़ायदा हो रहा है। एटलीस्ट लोग हॉकी के बारे में बातें कर रहे हैं, हॉकी के स्किल को जान रहे हैं। जब तक हॉकी का जो स्किल है, हॉकी के जो आर्ट्स है, उसको लोग जानेंगे नहीं, पहचानेंगे, वो करीब से वो दिखाना जाना चाहिए, दिखाया जाना चाहिए। और जो हर एक जो प्लेयर का क्वालिटी जो है, इस हर एक जो प्लेयर की क्वालिटी को दिखाना चाहिए, तभी स्टार बॉर्न होंगे। स्किल को दिखाना चाहिए। हाँ हाँ। मैं थोड़ा सा अभी, हालांकि हम हॉकी की और बातें करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ज़रूर, क्योंकि काफ़ी दर्शक जानना चाहेंगे कि कैसे स्विच किया आपने हॉकी से फिर पॉलिटिक्स पे और BJD में। अब हालांकि आप काफ़ी कम उम्र के हैं, उस लिहाज से अनुभव भी शायद कम है, लेकिन मैं कहूँगी कि एक अच्छी इनिंग आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा में BJD के आप लीडर चुने गए, तो इतनी कम उम्र में जो ये जिम्मेदारी आपको मिली है, कैसा लगता है? मैं कभी खुश हूँ और मेरे लिए बहुत बड़ा गौरव की बात है जो हमारे मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी इतना बड़ा दायित्व दिए हैं, BJD का राज्यसभा में लीडर बनाए हैं। लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, जबकि मैं इसको समझ रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने मेरे सीनियर लीडर्स हैं, काफ़ी सीनियर लीडर हैं, मंत्री रह चुके हैं, उड़ीसा में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके साथ चल के ओडिशा के इश्यूज हुआ, उसको आगे लाना, आगे लाना। तो आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई बिल्कुल, है बिल्कुल, और बहुत गंभीरता से आपको निभाना होगा। इसके बारे में थोड़ी और बातचीत अभी करेंगे, लेकिन छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं। वी आर गोइंग इन फॉर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक राइट नाउ हियर ऑन द क्वेस्ट। यू वॉचिंग ऑन राज्यसभा TV। वी आर टॉकिंग टू मिस्टर दिलीप टर्की। डोंट गो अवे, कीप वॉचिंग द क्वेस्ट। Welcome back to the show. You're watching The Quest here on Rajya Sabha TV. I'm Rakhi Bakshin. We are talking to Mr. Dilip Turki right now. Jaisa ki hum break ke pehle baat kar rahe the ki ek gambhir zimmedari aapko saunpi gayi hai aur khaas kar jinko aapne replace kiya hai, Kalpataru Das ji, wo bhi kafi, agar kahe mukhyamantri ki aapne baat ki to nazdeek mane jate the, phir kuch is tarah ke allegation lage aur phir unhone pad ko tyag kar diya. To khaas kar is mahol mein aana, wo aapko kaisa lag raha hai? देखिए, मैं भी मेरा 2.5 ईयर हो गया राज्यसभा में, पर कुछ कारण की बजाय जो हमारे सीनियर लीडर थे कल्पतरु दास, पहले लीडर थे हम राज्यसभा में, बाद में फिर मुख्यमंत्री जी मुझे चुने, पर अभी मैं इतना ही कहूँगा कि मैं समझ रहा हूँ इस वक्त पार्टी को हाँ पार्टी को किस तरीके से आगे लेके जाना है, किस तरीके से यहाँ पे बात करनी है हमारे सीनियर लीडर के साथ, किसे मिलके हमारे ओडिशा मैटर को सामने लाना है, तो इस चीज़ के ऊपर मैं भी ध्यान दे रहा हूँ। और एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि जहाँ तक हम जानते हैं मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को, कहीं ना कहीं लग रहा है इतना अनुभव उनके पास है, बार बार अगर मुख्यमंत्री के तौर पर वो जीत कर आते हैं और कहीं से उड़ीसा का एक चेहरा है नवीन पटनायक, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो कम उम्र के युवा लोगों पर ध्यान दे रहे हैं, जैसे आपको लाया है अगर BJD लीडर बनाकर, और कुछ और भी युवा चेहरे हैं जो आगे हो रहे हैं उड़ीसा में, तो क्या इसको कहा जा रहा है कि एक तरह का शिफ्ट, जो कहा जाता है कि अब राजनीति में नए फ्रेश फेसेस की, युवा लोगों की ज़रूरत है, ऐसा एक शिफ्ट कहा जा रहा है कि नज़र आ रहा है, तो आप शायद उस कड़ी का एक हिस्सा हैं ऐसा लगता है। क्या कहेंगे आप कि राजनीति में आप जैसे और भी युवाओं की ज़रूरत? बिल्कुल सही बोले राखी जी, क्योंकि जब राज्यसभा में, जब हमारे पार्टी से राज्यसभा में इलेक्ट हुआ मेम्बर हिसाब से,
और मैं कहूँगा हमारे भारत के राज्यसभा हिस्ट्री में आप देखेंगे तो स्पोर्ट्समैन को किसी पार्टी किसी बिल्कुल लीडर भेजे नहीं थे। पहली जी बार पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारे मुख्य नवीन पटनायक जी मुझे आज स्पोर्ट्समैन हिसाब से भेजे भेजे हैं, हैं। सो ये भी बहुत बड़ा इतिहास का इतिहास से रहा किस्सा है। और कम उम्र के नॉर्मली है। बिल्कुल जब राज्यसभा भेजते हैं सीनियर लीडर जब बिल्कुल एज हो जाते हैं उस दौरान भेजते हैं या अनुभवी काफी मतलब पारी नेता खेल सबके चुके भेजते होते हैं हैं पर राजनीति में। हाँ 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 उसके बाद बार फिर हमारे सिनेमा एक्टर जी देखिए अनुभव अनुभव आए हैं, महांती जो कि काफ़ी यंग है यंग उनको भी है। राज्यसभा में भेजें तो उनका एक आइडिया है उनका एक अभी सोच रहे हैं कि जो यूथ हैं डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र से जो आ रहे हैं वो सामने आना चाहिए और समाज के लिए उड़ीसा के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन आप पर्सनली कैसे देखेंगे कि एक तरफ कहा जाता है कहीं ना कहीं कि राजनीति में अनुभव की जरूरत होती है, इसलिए हमने देखा भारतीय राजनीति में कि लोग कहते हैं कि 50 साल से तो आप शुरुआत करते हैं राजनीति की, तो 70 साल तक 80 साल तक चले जाते हैं। क्या आपको लगता है कि राजनीति में अब एक तरह का पूरी राजनीति में और सभी पार्टियों के लिए एक शिफ्ट नज़र आ रहा है जहाँ की जनता चाहती है, इंडिया को यंग यंग कंट्री कहा जाता है क्योंकि यहाँ युवाओं का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है, जनता भी यही चाहती है कि जो नए लोग आए, युवा आए, जिनमें नया उत्साह हो, जो शायद कम करप्ट हो ऐसा लगता है, जो नई चीजों की तरफ ध्यान दे, ऐसा एक वातावरण बन गया और इसलिए आप जैसे युवाओं की जरूरत जो है अब राजनीति में ज्यादा लगती है। बिल्कुल आप सही हम बोल रहे हैं अभी आना चाहिए जितना भी यूथ है उनको आना चाहिए क्योंकि अभी का जो वातावरण है अभी देखिए मैं भी यही मानता हूँ कि जो पॉलिटिशियन जो लाइफ है जैसे स्पोर्ट्समैन का लाइफ है 10 से 12 15 ईयर मैं समझता हूँ पॉलिटिशियन लोगों की लाइफ इतनी होती है। हाँ अगर वो अच्छे काम कर रहे हैं डेडिकेट होके कर रहे हैं जैसे आपने बोले कि करप्शन नहीं होना चाहिए जी करप्शन एक बार लग जाता है बहुत जल्द से वहाँ से फिर लोगों के मन में फिर वो जो उम्मीद रहता है वो हट जाता है और शायद इसीलिए ज्यादा साल आप रहें तो लाइकली है कि थोड़ा सा आपके अंदर कई चीजें आ हाँ जाएंगी ऐसे। हाँ बिल्कुल। और जैसे आप सीनियर होते चले जाएंगे फिर उसी हिसाब से आपको मेंटेन करना पड़ेगा उसी हिसाब से आप लोगों से जुड़े रहना है उसी हिसाब से आप डेवलपमेंट करना चाहिए और इससे दूर रहना है जो करप्शन बोले से दूर रहना चाहिए। हाँ जब तब तक फिर एज हो जाती है फिर अब जब 50 50 50 बाद आप आएंगे उसके बाद फिर तक लेट आपको एज आगे हाँ जाना हाँ होता है। एज हो जाती है इसलिए यंग लोगों को भी आना चाहिए ताकि वही एनर्जी के साथ काम करना चाहिए सीखना चाहिए इन्वॉल्व होना चाहिए और वही बात एक जी एक मन एक सोच लेके समाज के चूंकि डेवलपमेंट जी चूंकि आप युवा हैं और अब आप राज्यसभा में हम आपको अब देखेंगे भी क्योंकि आपको शायद मौका ज़्यादा मिलेगा कि आप उड़ीसा की और अपनी बात रखें वहाँ पर क्षेत्र की, लेकिन करप्शन की जो हमने बात की है, भ्रष्टाचार पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा है। नई सरकार आई, उसने भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया और बार बार ये कहती है कि नहीं, भ्रष्टाचार ज़रा भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपकी पार्टी भी हमेशा ये बात करती रही है, लेकिन ज़रूर इस बात पर शायद आप थोड़ा सा और डिफेंड करना चाहें क्योंकि आप डिफेंडर रह चुके हैं कि जो भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं छाया भी उड़ीसा में दिखाई दे रहा है, जो पॉन्जी स्कैम है वो कहीं ना कहीं एक धूमिल कर रहा है, तो उसको कैसे आप देखेंगे? हमारे सरकार भी बीजेडी भी है मुख्यमंत्री भी इसके खिलाफ हैं और हाँ अभी जो सिचुएशन अभी उड़ीसा में देख रहे हैं कुछ लीडर्स ऐसे हालात हुए हैं। हाँ इसमें रहने का इन्वॉल्वमेंट का दिखा जा रहा है पर इतना है कि जो चिट फंड का मामला है जी ये सब 15 साल 20 साल पहले किसको मालूम था चिट फंड उतना मालूम था उतना लाइम आया नहीं था फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं ध्यान देने थे पर इतना मैं कहूँगा कि जो लोगों ने जो पैसा लगाया था जो भी किया था पर प्रॉपर वे में वहाँ पे पहुँच नहीं पाया लीडरशिप उसको प्रॉपर वे में उसको क्या कहूँगा मैं जिस लिए लगाए थे वहाँ पे उनको उसका बेनिफिट दिला नहीं पाए लेकिन इतना कहूँगा मैं कि इसमें ये उनका बिजनेस में कहूँगा जो भी इसमें इन्वॉल्व है वो उनका बिजनेस है पार्टी से तो उतना लेना देना नहीं है और इस वक्त जो भी सिचुएशन है वो मतलब पार्टी मैटर इसके खिलाफ अपना जो भी है। हाँ आप देख लीजिए पार्टी ने हमारे मुख्यमंत्री ने इवन सीबीआई को भी जी दे दिए
जी, और इसको मतलब आगे जो है देखा जाएगा कि किस तरह से जो सच्चाई है मतलब वो सामने आए, जो जो ईमानदारी से जो चीज़ें हैं वो सामने आए, ऐसा आप भी मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो सच्चाई वो सामने फ्यूचर में आ ही जाएगा। जैसे कहते हैं कि जो पानी के पानी, जो दूध के दूध, होता है वो वो दिख हो जाएगा। जाएगा। तो जिस तरह से आपने स्पोर्ट्स में, हॉकी में जिस तरह से आप मंझे हुए खिलाड़ी रहे हैं, राजनीति में आपको क्या लगता है कि मंझे हुए खिलाड़ी होने के लिए आगे और क्या करना पड़ेगा? कहते हैं ना कि दौड़ने के लिए आपको पैदल सीखना पड़ता है, और पैदल चलने के लिए आपका पैर को मजबूत करना पड़ता है। जी तो इस वक्त वही मैं कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। जी क्योंकि इस लाइन में आ गए हैं तो कुछ करने के लिए आए हैं, जी और करने के लिए आपको आपके मन में, आपके सोच में उतना लोगों का बातें सुनना पड़ेगा। जी मुझे ये लगता है कि अगर नीयत अच्छी हो, जैसे कुछ लोगों को कहा जाता है, जैसे आप स्पोर्ट्स से आए, कुछ लोग जो फिल्म इंडस्ट्री से और आते हैं उनके बारे में बातचीत हुई कि वो पार्लियामेंट ही नहीं आते हैं, तो इस पर काफ़ी चर्चा हुई, कुछ बड़े नाम हैं, तो आपको लगता है कि पहली चीज़ तो यही है जैसे आपने कहा कि पहला स्टेप लेना है कि पहले तो पार्लियामेंट आए रेगुलरली, भले ही आप कितने बड़े नाम हों, हिंदी सिनेमा के हों या आप खेल जगत के हों, लेकिन पहले तो पार्लियामेंट में आए, सीखें और आगे बढ़ें, ऐसा होना चाहिए। वो उनका मामला है, वो किस तरीके से इसको ले रहे हैं। पर मेरा मानना कि जब एमपी बन रहे हैं, एमपी बनना मीन्स लोगों के लिए आप बन रहे हैं, पार्लियामेंट मेंबर जो लोगों के लिए बन रहे हैं और समाज के लिए, देश के लिए। मेरा मानना है कि आपको इन्वॉल्व होना चाहिए इन्वॉल्व होना और चाहिए, लोगों के लिए काम सभी को करने के होना लिए चाहिए। सीखना चाहिए। जी चलिए, तो थोड़ा सा और बात करेंगे, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक हमें और लेना पड़ेगा, एंड वी आर गोइंग इन फॉर अनदर वेरी शॉर्ट ब्रेक। राइट नाउ वी आर ऑन द क्वेस्ट, वी आर टॉकिंग टू मिस्टर दिलीप टॉकी। यू वॉचिंग द क्वेस्ट राइट नाउ हियर ऑन राज्यसभा टीवी, एंड वी आर टॉकिंग टू मिस्टर दिलीप टर्की। जो उड़ीसा के जो विषय हैं, ऐसे कौन से विषय हैं जो आप पार्लियामेंट में और उठाना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं उड़ीसा में सबसे बड़ी चीज़ देखी जाती है कि गरीबी की बात होती है, तो बहुत गरीबी है वहाँ पर। अभी तक विकास की जो अगर हम बात करें, तो अभी तक उड़ीसा विकास के पैमाने पर और आगे आने की इसको ज़रूरत है, तो कौन से ऐसे मुद्दे आपको लगता है कि आप आगे उठाना चाहेंगे? इस वक्त उड़ीसा, आप उड़ीसा को देखेंगे तो 15 साल 20 साल नीचे, तो अभी उड़ीसा काफ़ी इम्प्रूव हो गया है काफ़ी सेक्टर में। फिर भी अभी हमें उड़ीसा को और आगे लाने के लिए काफ़ी कुछ करने के बाकी है। अभी सब इसमें इन्वॉल्व है, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे MLA भी सब इसमें लगे हुए हैं। पहली बात तो मैं कहूँगा कि जैसे मेरा एक है कि हमारे जो ST SC बच्चे हैं, एक कहना चाहूँगा कि मैं उनका हायर एजुकेशन, जैसे ST SC बच्चों का, बच्चों के लिए जो हम लोग आश्रम सब किए हैं, इसलिए आश्रम किए हैं हम लोग ताकि उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ख़राब है, बहुत कमज़ोर हैं, ताकि आश्रम आके पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। लेकिन वहाँ पे 10th, अभी 12th तक है, 10th 12th के बाद आपको जॉब नहीं मिलती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे मेरा रहेगा कि हायर एजुकेशन, उस पर ध्यान दिया जाए। हायर एजुकेशन उनके लिए फ्री में कैसे बच्चे पढ़ पाएंगे, तभी जाएंगे। जैसे हायर एजुकेशन के बाद जब नीचे आएंगे तभी उनको दिखेगा, हमें जॉब जी, उनको दिखेगा, अगर 10th 12th बाद क्या और कर स्पोर्ट्स के पाएंगे। बारे में क्या कहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो स्पोर्ट्स का जो स्पिरिट है, जो एक नेशनल स्पिरिट होना चाहिए हमारे यहाँ, एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए स्पोर्ट्स पे, कि हर एक घर में स्पोर्ट्स के मामले में लोग आगे आएं, बच्चों को हमेशा प्लेग्राउंड में भेजें, खेलें, बच्चे आगे बढ़ें। क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं, आप जब बाहर गए तब जाकर पता लगता है कि चैलेंज कितना बड़ा है जब दूसरे नेशंस के साथ कॉम्पीट करते हैं। हाँ, स्पोर्ट्स के ऊपर भी काफ़ी हमें करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें पूरे इंडिया में हमें स्पोर्ट्स कल्चर को भूल जा रहे हैं। लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है स्पोर्ट्स, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रूरल सेक्टर में। अभी रूरल सेक्टर में कि स्पोर्ट्स का थोड़ा बहुत है, गांव में खेलते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे, टोटली भूल जा रहे हैं। समझते हैं कि स्पोर्ट्स करने से हमारे पढ़ाई पे नुकसान हो रहा है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, बीच में भी बात चल रही थी कि स्पोर्ट्स कंपलसरी किया जाए स्कूल में, कॉलेज में,
होना चाहिए, जो अच्छे कर रहे हैं पढ़ाई के, पहले भी तो स्पोर्ट्स करते थे मैक्सिमम, पहले क्या जैसे हॉकी की बात करने के यूनिवर्सिटी के प्लेयर, कॉलेज के प्लेयर खेलते थे, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी करते थे, तो दोनों को हम बराबर भी कर नहीं पा रहे, इतना पढ़ाई कितना लोड हो जा रहा है उन पर कि स्पोर्ट्स को ध्यान नहीं देना, नेगलेक्ट कर ही दे रहे हैं, करना नहीं चाहिए। एक सिंपल सी बात जो कहते हैं, आज भी जितने बिजी पर्सन हो सब स्पोर्ट्स को ध्यान देते हैं अपने पर्सनल लाइफ के लिए, इसलिए ताकि फिट रहें। उसके साथ साथ जो चीज़ें हैं जो कि एक वर्ल्ड लेवल स्पोर्ट्स को अचीव करने के लिए, उसके लिए हम प्लानिंग करनी चाहिए। जैसे मैं कहना चाहूँगा कि हमारे आज की तारीख पे हम लोग सिर्फ इंडोर स्पोर्ट्स में सिर्फ मेडल आ रहे हैं, आउटडोर स्पोर्ट्स में मेडल नहीं आ रहे हैं। क्या कारण है? बच्चे जाते नहीं हैं बाहर? जैसे मैं कहूँगा बॉक्सिंग हुआ, रेसलिंग हुआ, बैडमिंटन और शूटिंग हुआ, सो इस सब में, हाँ, सो आउटडोर स्पोर्ट्स में मेडल नहीं आ रहा है। जैसे मैं कहूँगा हॉकी से लेसन लेवल ठीक कर रहे हैं, फुटबॉल देख लीजिए, एथलेटिक देख लीजिए, जो पावर और स्पीड फिटनेस गेम इसमें नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कहीं वेदर की कंडीशन हुआ, या हम जो गर्मी में बच्चे उनको वो फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, जो उतनी मेहनत कर रहे हैं, जो इंडोर के बच्चे कर रहे हैं उतनी मेहनत कर रहे हैं आउटडोर वाले ही, मुझे मालूम है, मैं भी क्या हूँ, पर वो अचीवमेंट नहीं हो रहे हैं। सो इसलिए हमें प्लान करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे कूल एरिया सब है जहाँ पे बेटर एनवायरनमेंट है वहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होने चाहिए। अच्छा, मार्च के बाद, मार्च से अब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक गर्मी रहता है कई जगह पे, तो इस जगह पे हमें ये सब चीज़ें पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। आपको, आपने सेलेक्टर होने से मना कर दिया था कि क्या, क्यों किया था ऐसा? आपको ऑफर आया था शायद? नहीं, उस दौरान तो फेडरेशन के दौरान तो कुछ काफ़ी दोनों फेडरेशन के अंदर काफ़ी गड़बड़ियाँ चल रही थी दोनों में, हाँ उस दौरान काफ़ी। तो क्या कहेंगे आप, ये जो हम देखते हैं खेल में भी एक तरह की, जो आप राजनीति, खेल से राजनीति में आए, लेकिन राजनीति जो खेल में होने लगती है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? राजनीति सब जगह है, राजनीति राजनीति तो है ही है, जो डायरेक्ट आप राजनीति कह रहे हैं, लेकिन खेल में भी राजनीति है, होता है। और दुखद है वो, हाँ होता है, देख लीजिए अवार्ड के मामले में, देखिए सिलेक्शन के मामले में, देख लीजिए इवन जितने भी एसोसिएशन सब हैं, जब एसोसिएशन बंद प्रॉपर वे उनको उनको चलाना चाहिए, सिस्टमेटिक हिसाब से चलाना चाहिए, बहुत सारे एसोसिएशन बन के रह जाते हैं, यदि सब एसोसिएशन यदि प्रॉपर वे में चलाएंगे डेफिनेटली स्पोर्ट डेवलप होगी। एक चीज़ आपको और लगती है क्या, कि जो खेल है जिसके जिसके माध्यम से खिलाड़ी आगे बढ़ता है, कई बार उसकी आगे जब बढ़ जाता है तो उसकी चकाचौंध में, उसके दायरे में इतना आ जाता है कि बेसिक खेल पे जो टैलेंट और स्किल है उस पर असर आने लगता है और वो दबने लगता है कहीं ना कहीं। देखो वो प्लेयर के ऊपर ही है किस तरीके उसको मेंटेन करना है, पहले तो उनको समझना चाहिए कि खेल उसी खेल से है, उसका नाम हुआ है तो उसको कभी नहीं भूलना है, उसको जितना टाइम देगा उस पर जितना फोकस करेगा उतने ही वो तभी जाके जो आप बोल रहे हैं वो मेंटेन रहेगा। तो अपना खेल को कभी नहीं भूलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और चूंकि आपने हॉकी में टीम स्पिरिट की आप हमेशा बात करते रहे हैं और टीम को लेकर आगे चलते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं फिर उड़ीसा की राजनीति पे और आपकी पार्टी पे आऊँगी। पार्टी जिस तरह से नवीन पटनायक जी आगे ले चले हैं, इस समय फिर एक और बात हो रही है कि पार्टी कहीं ना कहीं सब अलग थलग हो रहे हैं, एक फूट जैसी एक कहीं बिखराव सा आ रहा है ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं, तो आपके सामने क्या एक चुनौती आप जैसे लोगों के सामने है कि कैसे पार्टी को एकजुट होकर आगे चला जाए? नहीं, ऐसा कोई ऐसा बात नहीं है, अभी कुछ जो एनवायरनमेंट चल रहा है उससे आपको सुनने को मिल रहा है, पर ऐसा कोई बात नहीं है। अभी यहाँ पे सब जितने भी एमपी हैं, इवन एमएलए सब हैं, सब एक हैं, सब उड़ीसा के लिए सोच रहे हैं, और जो हमारा डिमांड है नॉर्मली क्या होता है कि सेंट्रल में कोई भी सेंट्रल में गवर्नमेंट सरकार बने, रीजनल पार्टी को हर बार के नेगलेक्ट करते आ रहे हैं, जैसे उसका हम लोग भी हिस्सा हैं, उड़ीसा भी उसका हिस्सा है, काफ़ी सालों से उड़ीसा को भी यूपीए गवर्नमेंट ने भी काफ़ी नेगलेक्ट किया, फिर भी आप अपने आप को बना के चल रहे हैं। हाँ, उसके बाद भी हमारा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उससे लड़के जिधर के संभाले हुए हैं उड़ीसा को, जैसे मैं कहूँगा 14-15 साल के अंदर उड़ीसा में जो नेचुरल कैलामिटी कई बार आई, कई दफ़ा आया,
और वहाँ पे फाइलिंग अभी था हाँ उस जैसे। टाइम महाभारत जो कहते थे 99 में आया, उसके बाद फाइलिन, उसके बाद हुड़हुड़, उसके बाद हरिक्सल फ्लड, उसके बाद कहीं पे, तो कोई इस ना कोई तरीके से प्राकृतिक आपदा हाँ हाँ आती रहती। नेचुरल कैलामिटी के ऊपर हम काफ़ी हमें उड़ीसा के नुकसान हो रहे हैं। सो मेरे ख्याल से इतना उसके लिए उड़ीसा गवर्नमेंट मुख्यमंत्री ने उसके लिए इतना खर्च किए हैं, तो और उससे संभाला हमारा है उसे, अलग डेवलपमेंट जो है उसमें थोड़ा सा असर आया है। हाँ, तो ये सब एटलीस्ट सरकार से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये जो नेचुरल कैलामिटी के ऊपर उसमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, जो कि हमें हाँ उड़ीसा को हर बार नेगलेक्ट किया जा रहा है, और इसीलिए हमारे सरकार मुख्यमंत्री हम सब इसीलिए भी हम लड़ रहे हैं। जी एक चीज़ और कहूँगी कि हमेशा जब भी इलेक्शन आता है या कोई नई बात होती है फॉर्मेशन की, तो अलायंस की जब बात होती है तो बीजेडी पे नज़र चली जाती है कि बीजेडी किसके साथ जाएगा, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पार्टी है। लेकिन बीजेडी फिलहाल अपने आप में ही एक पार्टी है। हालांकि थर्ड फ्रंट के बारे में जब भी पूछा गया मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से उड़ीसा के, तो उन्होंने कहा कि ये एक ऑप्शन है जो सामने है। तो अभी क्या स्थिति है कि क्या कोई ऑल्टरनेटिव फ्रंट में ही रहना चाहती है, या बीजेडी को अपने ही रास्ते जो है वो रहेगी, या कहीं किसी के साथ कोलैबोरेट कर जाएगी? देखो अभी तो इसके बारे में डिटेल में कह नहीं पाऊँगा, पर इस वक्त अपने जगह ही हैं, अपनी जगह भी हैं और अपने जगह रह के अभी डिमांड कर रहे हैं हम लोग। चलिए, आपसे मुझे लगता है कि अगले एक और एडिशन में एक और इंटरव्यू और एक और बात बहुत सारी करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल जब हम प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं, तो दिलीप टर्की, आप कोई अपने डायरेक्शन, अपने भविष्य, अपने फ्यूचर, अपने गोल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? गोल एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए, तो क्या गोल है आपका जीवन का? समाज के लिए, उड़ीसा के लिए, देश के लिए जितना हो सके मेरे तरफ से मैं काम करने की कोशिश करूंगा, यही मेरा गोल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए राज्यसभा टीवी पर, और बहुत सारी आपको शुभकामनाएं यहाँ। थैंक यू एंड सो मच। दैट वाज दिलीप टर्की, एंड ऑफ कोर्स टॉकिंग ऑन मेनी इश्यूज। वी विल हैव टू रियली वॉच व्हाट ही डज फर्दर इन राज्यसभा, नाउ दैट ही इज द बीजेडी लीडर इन राज्यसभा। बट राइट नाउ ही हैज ऑफ कोर्स आंसर्ड एंड ट्राई टू डिफेंड ऑल द क्वेश्चन दैट आई फील्डेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एडिशन ऑफ द क्वेस्ट ऑन राज्यसभा टीवी। नमस्कार एंड बाय बाय।